हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग के दौरान कृति देव फॉन्ट पर होम रो का प्रैक्टिस किए होंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग टॉप रो के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि टॉप रो में कौन कौन से फिंगर का यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि टॉप रो में कौन कौन सा लेटर होता है। तो टॉप रो में आपका लेटर, आप लोग अगर इंग्लिश टाइपिंग कर किए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि टॉप रो में आपको मिलता है क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी, और ये है बड़ी ब्रैकेट जिसमें आपका ये ओपन ब्रैकेट है और ये आपका क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, तो जब आप इंग्लिश टाइपिंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि लेफ्ट हैंड का ये चार फिंगर, आप पहला फिंगर क्यू पर लेके जाते हैं, दूसरा फिंगर डब्ल्यू पर लेके जाते हैं, तीसरा फिंगर ई पर, चौथा फिंगर आर पर और चौथा फिंगर से ही टी टाइप करते हैं। और राइट साइड में पहला फिंगर आप पी पर लेके जाते हैं, दूसरा ओ पर, तीसरा आई पर और चौथा यू पर, और चौथा से ही क्या करते हैं वाई पर। ये तो था आपका इंग्लिश टाइपिंग का। लेकिन जैसे ही हिंदी टाइपिंग करेंगे तो आपको पहले ये जानिए कि फॉन्ट चेंज करने के बाद हिंदी का कौन सा लेटर होता है। तो जैसे ही आप क्यू टाइप करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा हर्षव की मात्रा, डब्ल्यू में मिलेगा आपका दुर्गव की मात्रा, ई में आपका मो, आर में है तो, टी में मिलेगा जो और Y में मिलेगा आपका लॉ। ठीक है, यानी इधर वाला जितना भी है ये सारा आपका लेफ्ट हैंड से टाइप करना है। और राइट साइड में आपको मिलेगा आपका क्लोज ब्रैकेट में मिलेगा आपका कॉमा, ये हिंदी वाला कॉमा है, इंग्लिश वाला कॉमा आपको जो है बॉटम रो में मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपका ओपन ब्रैकेट में है आपका आधा ख, पी में है आपका चौ, ओ में आपका व, आई में मिलता है प और यू में मिलता है नौ। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो है आपका लेफ्ट हैंड का ये चार फिंगर, पहला लिटिल, दूसरा रिंग, तीसरा मिडिल और चौथा इंडेक्स फिंगर। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, और इधर से भी क्या है आपका, पहला लिटिल हो गया, दूसरा रिंग, तीसरा मिडिल और चौथा इंडेक्स फिंगर, जिसमें पहला फिंगर, दूसरा, तीसरा और यहां से चौथा। और इसके अलावा आपको पता है कि जो थंब है ये स्पेस देने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो अब क्या करना है कि जो पहला फिंगर है ये आपका हर्षव की मात्रा पर जाएगा। ठीक है, और पहला फिंगर ही आप क्या करेंगे, दुर्गव की मात्रा पर लेके जाएंगे। इसके बाद दूसरा फिंगर आपका मो, तीसरा फिंगर से तो और चौथा फिंगर से ज और चौथा फिंगर से ही क्या होगा ल। और इधर में क्या होगा, पहला फिंगर आपका यहां से कॉमा पे जाएगा और पहला फिंगर से ही आपका आधा ख, दूसरा फिंगर से च, तीसरा फिंगर से व और चौथा फिंगर से प और चौथा फिंगर से ही होगा न। ये तो नॉर्मली जब आप फेस बदलेंगे इसके बाद। लेकिन जैसे ही आप शिफ्ट का यूज करेंगे, आपको पता है कि शिफ्ट क्या करता है, इंग्लिश टाइपिंग में लेटर को कैपिटल करता है, लेकिन हिंदी टाइपिंग अगर आप करते हैं तो शिफ्ट क्या करता है, लेटर को आधा करता है। तो अब देखिए, जैसे आप देखिए, अब ये बात है कि सारे लेटर का आधा नहीं करता। जैसे आप देखेंगे यहां से हर्षव की मात्रा है, ये तो हर्षव की मात्रा और दुर्गव की मात्रा, इन सबका तो आधा होता नहीं है। तो जैसे ही आप इधर राइट साइड का शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और क्यू प्रेस करेंगे तो इसका आधा नहीं होता है, तो इसमें आपको मिलेगा फ। ठीक है, और दुर्गव की मात्रा में जैसे शिफ्ट के साथ आप डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो दुर्गव की मात्रा का आधा नहीं होता है, तो इसमें आपको मिलेगा चांद, सिर्फ चांद है, बिंदु नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका इसका आधा होता है तो आधा मो, इस तो का आधा होता है तो आधा तो, ज का आधा होता है आधा ज और ल का होता है आधा ल। ठीक है, यानी जैसे शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे आप तो इसमें मिलेगा आधा फ चांद, आधा मो, आधा तो, आधा जो, आधा लो, क्योंकि इन चार का आधा होता है तो शिफ्ट के साथ प्रेस करने से आधा होगा और इन दो का आधा नहीं होता है तो इसमें है आपका फ और चांद। तो आराम से याद कर सकते हैं, अगर आप नॉर्मल याद कर रहे हैं तो हर्षव की मात्रा, दुर्गव की मात्रा, मो, तो, जो, लो, और शिफ्ट के साथ अगर आप टाइप करते हैं तो फ,
चांद, आधा मो, आधा तो, आधा जो, आधा लो। और जैसे ही आप राइट साइड आएंगे तो राइट साइड में भी आप वही याद रखना है कि आपका लेफ्ट शिफ्ट प्रेस करके रखना है। और इधर में क्या होगा कि जैसे अब है कॉमा, तो कॉमा का तो आधा होता नहीं है, तो इसमें है आपका दव संयुक्त, ठीक है, इसमें क्या है आपका दव संयुक्त। इसके बाद आधा ख, ये पहले से आधा है, आपको पता होगा कि ये आधा ख है, इसको अगर कंप्लीट करना होगा तो के प्रेस करके करना होगा, तो इसमें ये पहले से आधा है तो इसका आधा होगा नहीं, तो इसमें आपको मिलेगा आपको आधा अक्ष। और जैसे ये आधा अक्ष है तो इसको भी पूरा करने के लिए आपको के प्रेस करना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये इजी है, च का आधा होता है आधा च, आधा व, आधा प, आधा न, ठीक है। यानी समझिए कि कॉमा का आधा नहीं होता है तो इसमें है दव संयुक्त, आधा ख पहले से आधा है इसका आधा होगा नहीं तो इसमें है आपका आधा अक्ष, बाकी आधा च होता है आधा च है, आधा व, आधा प, आधा न। तो अगर इधर याद करते हैं तो क्या क्या मिलेगा, तो आपका पहला फिंगर से आपका कॉमा, आधा ख, च, व, प, न। और अगर शिफ्ट के साथ याद करते हैं तो दव संयुक्त, आधा अक्ष, आधा च, आधा व, आधा प, आधा न। यानी आप यहां पर भी ये देखिए कि जो पहला फिंगर है इसी फिंगर से आपका इसलिए इस पर भी जाना है, और पहला फिंगर से भी इस पर जाना है, दूसरा फिंगर से ये वाला हो गया, तीसरा फिंगर से ये वाला, और चौथा फिंगर से ये, और चौथा फिंगर से भी ये वाला, चाहे आप शिफ्ट के साथ टाइप करें या बिना शिफ्ट के साथ। और इधर भी वैसा ही है कि पहला फिंगर से आपका यहां पर ये जाएगा, और पहला फिंगर से आपका ये वाला भी जाएगा, ठीक है, और दूसरा फिंगर से आपका मो वाला, तीसरा फिंगर से तो, और चौथा फिंगर से जो, और चौथा फिंगर से ही आपका लो वाला, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, टॉप रो का प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये आप जो बीच वाला जो नी बीच वाला जो लाइन है ये आपका होम रो है, ठीक है, और होम रो पर आपको वापस आ जाना है। जब भी आप टाइप करेंगे तो यहां पर क्या होगा कि जब हर्षव की मात्रा या फो टाइप करेंगे तो ये नहीं कि जाना है और वहीं रह जाना है, जा के फिर वापस आना है, ठीक है, वापस आपको होम रो पे आ जाना है। जो भी ले जो भी फिंगर आप ऊपर लेके जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, कोई भी फिंगर आपको ऊपर नहीं रखना, नीचे आ जाना है, ठीक है, यानी टाइप करना है और फिर इसके बाद क्या करना है आपको वापस आ जाना है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो इस तरह से क्या है आप टॉप रो का प्रैक्टिस कीजिए, है ना, इसके पहले आप होम रो का प्रैक्टिस किए होंगे, और आज टॉप रो का प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आप याद कीजिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है आपका जैसे ही ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा तो आपका टाइपिंग ऑटोमेटिक धीरे धीरे बढ़ जाएगा, और टाइपिंग बढ़ाने के लिए आपको स्पीड बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करना ही होगा, लेकिन प्रैक्टिस से पहले आपको इन सबको याद करना होगा। बिना याद किए आप सोचेंगे कि टाइपिंग स्पीड बढ़ा लें तो ऐसा नहीं है, सबसे पहले याद करें तभी आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ेगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपका टॉप रो पर फिंगर कैसे सेट करते हैं और कौन से बटन में कौन सा सिंबल होता है ये आप सीखे होंगे, ठीक है।